दुनिया में नारी के तीन रूप होते हैं, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, नारी दुर्गा है। जब कोई नारी अपने परिवार को संभालती है, उन्हें संस्कारों से संपन्न करती है और घर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाती है, तो यह नारी लक्ष्मी का रूप हो जाया करती है। और जब कोई नारी अपने जीवन में अपने औलाद को, अपने संतान को, अपने परिवार को आचरण, अनुशासन और ज्ञान से बांधती है, तो यही नारी सरस्वती हो जाती है। और जब यही नारी सामाजिक बुराइयों और कुरूतियों से लड़ती है, तो महिषासुर मर्दिनी रणचंडी दुर्गा का रूप हो जाया करती है। नारी वही है, नारी ना हो तो घर बेकार है, बिन घर नी घर भूत का डेरा। जिस घर में नारी नहीं होती है वो घर स्वर्ग नहीं हुआ करता है। पुरुष कमाता है, नारी संभालती है, अनंत शक्तियां है नारी में। नारी निंदा मत करो, नारी गुण की खान, और नारी से ही जन्म ते तीर्थंकर भगवान। नारी ना हो तो अवतार पुरुष, तीर्थंकर पुरुष भी इस धरती पर जन्म नहीं ले सकते हैं। नारी बहुत महान है, हर जगह नारी को दोयम दर्जा दिया जाता है, लेकिन कई जिंदगी के ऐसे स्थान होते हैं जहां नारी पुरुषों से भी बढ़कर के काम किया। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान, नान्या सतम तदुपमम जननी प्रसूता। मान तुंगाचार्य कहते हैं कि तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म लेने वाली न तेरे जैसे कोई नारी है और न तुम्हारे जैसा जगत में कोई दूसरा पुत्र हो सके। बंदनीय हो गई नारी। नारी केवल भोग की वस्तु नहीं है, नारी को केवल भोग की सैया मत बनाइए। नारी पूजा की थाली है, और नारी कहा जाए तो घर गृहस्थी के मंदिर की देवी यदि कोई होती है तो वह नारी हुआ करती है। नारी के बिन घर जीवन सब बेकार है। आदमी दुख तो इस बात का है कि नारी ही नारी का शोषण कर रही है। पुरुष शोषण करता तो उससे लड़ा जाता, उसके लिए कानून बनाया जाता। दुख तो इस बात का है कि नारी के द्वारा नारी का शोषण हो रहा है, नारी के द्वारा नारी का उत्पीड़न हो रहा है, नारी के द्वारा नारी की हत्या कराई जा रही है। और हर माँ चाहती है कि मेरे को बेटा होना चाहिए, लेकिन मुझे बेटी नहीं होना चाहिए। वो माँ ये क्यों भूल जाती है कि मैं भी किसी के घर की बेटी रही हूं। ध्यान रखिए, नारी के द्वारा नारी का शोषण। एक माँ बेटे को इसलिए चाहती है, बेटी को इसलिए नहीं चाहती है कि एक बेटी होगी तो पराया धन है, और जिस दिन जवान होकर के उसका विवाह करेंगे उस दिन मोटा दहेज हमें उसकी शादी में देना पड़ेगा। एक दहेज ऐसा अभिशाप है समाज के भीतर, ऐसा दहेज में आकर के बैठ गया है। ये दहेज का राक्षस ऐसा राक्षस है जो महिलाओं को, बालिकाओं को अपने सिकंजे में कसते चला जा रहा है। और आज यदि सबसे ज्यादा हत्याएं नारी की, बालिकाओं की हो रही है, और आज सबसे ज्यादा यदि गर्भपात हो रहा है, तो उसमें दहेज जैसा भी एक अभिशाप इस समाज के अंदर व्याप्त है। एक गरीब सोचता है मेरे घर लड़की हो गई तो मातम मनाता है वो कि एक कर्ज आ गया मेरे जीवन में, आज मुझे इतना पैसा जोड़ना पड़ेगा तब बेटी के हाथ पीले हो पाए। नहीं मेरे भाई, दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मालूम है नारी बड़ी पूज्य हुआ करती है। जैन धर्म कहता है, जैन दर्शन कहता है कि जब यही नारी सांसारिक प्रपंचों को छोड़ करके घर गृहस्थी का त्याग करके यदि आरिका और साध्वी का रूप ले लिया करती है, तो यही दोयम दर्जा पाने वाली नारी पुरुषों के द्वारा भी बंधनीय हो जाया करती है, और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसे अपना शीश झुका। नारी अपनी शक्ति को पहचाने, नारी अपने को शोषित ना करे। एक सास बहू को प्रताड़ित करती है, इसलिए प्रताड़ित करती है कि वह दहेज में रुपया कम लेकर के आई है। लड़की के मां बाप को उलाहना मिलता है,
उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, बहू को जिंदा जला दिया जाता है। मेरा नागपुर में चतुर्मास हो रहा था, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी की, मालूम है बेटी का घर बसाने में बाप का घर बिक जाता है, अपने घर को गिरवी रखता है तब बेटी का घर बसाया करता है। उस बाप ने ऐसे ही किया, अच्छा लड़का मिला, अच्छा परिवार मिला, अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन भूल गया वो लड़की का बाप कि जो लोग खुलेआम दहेज मांगते हैं ऐसे लोग मेरी बेटी को कभी सुख नहीं दे सकते हैं। मोटी रकम ऐठी गई, धीरे धीरे वक्त बीता, बाप ने मकान गिरवी रखा, दुकान गिरवी रखी, वो सोचा कि चलो मैं फिर से मकान बना लूंगा, फिर से दुकान ले लूंगा, कोई बात नहीं है, मेरी बेटी का घर बस जाना चाहे। लड़की के पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। पहले तो मीठी बातों से उसका मन फुसलाया, फिर एक रोज अंधेरे कमरे में उसको बुलवाया, मुंह पर पट्टी बांध दी गई, शोर नहीं मच पाया, जल्दी ही दो हाथों ने फिर एक सोला सुलगाया, और तड़पती अबला पर फिर तेल जमा झमझार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। लड़की कैसी रहती है ससुराल में विचार करिए, जीवन भर के लिए अरे जो दासी बन कर रहती है, जिसमें बहे सभी का मन जो उन लहरों में बहती है, तानों के तीखे बाणों को जो हंस हंस कर सहती है, चाहे दम घुट जाए मगर जो मुख से कुछ ना कहती है, तो मर्यादा की उस मूरत को ये कैसा अंजाम दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। वो देश के हालात क्या है, बहरे मेरे देश यहाँ पर सब संभव हो जाता है, रिश्वत का साबुन हत्या के धब्बे तक धो जाता है, बिका हुआ कानून कहीं पर आंखें मूंद सो जाता है, सुनवाई का नाटक कर प्रकरण फाइल हो जाता है, देखो नारी को दुनिया ने क्या अच्छा सम्मान दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया, जीते जी घर की लक्ष्मी को अंगारों में भार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया, दौलत के अंधों ने निर्धन की बेटी को मार दिया। मानिवर विचार करिएगा, सोचना है आपको, मैं लड़की के माता पिता से निवेदन करूंगा कि आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, आपके पास रुपया है, अरे झूठी शान शौकत में अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए बर्बाद मत करिए, ध्यान रखिए। आज आपके पास है, आज अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए दान करते हैं, किसी गरीब की बेटी तुम्हारे इस दिखावे के कारण
एक दिन हत्या की बलिवेदी पर चढ़ जाया करती है। ध्यान रखिए, सादगी से शादी होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, शास्त्रों में चार दान बोले गए हैं, आहार दान बोला, औषधि दान बोला, अभय दान बोला है, ज्ञान दान बोला है। एक दान और ग्रस्त का बनता है जिसे मैं कन्या दान कहकर के बुलाया करता हूं। कन्या से बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं होता है। ना जाने क्या परंपरा है इस देश की कि जो व्यक्ति करेंसी का दान करता है, अरे कागज के टुकड़ों का दान करो तो उसका सम्मान होता है, उसे माला पहनाई जाती है, उसे पगड़ी पहनाई जाती है। कागज का टुकड़ा दिया जाता है, उसके बड़े गुणगान किए जाते हैं। कागज के टुकड़ा दान करने वाले का इस देश में सम्मान होता है, वो जो बाप दिल का टुकड़ा दान करता है उसका अपमान क्यों होता है? अरे बेटी उसके दिल का टुकड़ा है, बेटी उसके जिगर का टुकड़ा है, अपने खून का दान करता है, फिर उसका सम्मान क्यों नहीं होता? नीति तो कहती है कि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है, लेकिन ये कैसी परंपरा बना दी कि कन्या देने वाला छोटा होता है और लेने वाला बड़ा। ध्यान रखिए, तोड़िए परंपराएं, ये दकियानूसी रीति रिवाज, रस्म रिवाज। दिल का टुकड़ा देने के बाद भी वो छोटा बना रहता है, वह झिड़कियां सुनता है, वह ताने सुनता है लड़की का पिता। मान्यवर, यदि इन परंपराओं को नहीं बदला गया तो मेरे देश की बेटियां दहेज की बलिवेदी पर चढ़ती रहेंगी, और ना जाने कितनी बेटियां आज इस देश में फांसी के फंदे पर झूली होगी, कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया गया होगा, कितनी बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही। अमीर लोगों के कारण है, ध्यान रखिए, झूठा दिखावा और शान शौकत। हमारी लड़की की शादी है, मैं कहता हूं किसी मंदिर में पैसा दे देना, लेकिन लड़की बाल लड़के बालों को कभी दहेज में एक रुपया भी देने का तो साहस नहीं करना। वरना हर गरीब भगवान से कहेगा कि भगवान सब देना, लेकिन हमारे घर में लड़की को जन्म मत देना। ध्यान रखिए, आपकी झूठी शान सौकत। ध्यान रखिए।